इंग्लैंड से सीरीज जीत चुकी वेस्टइंडीज को एसीसी ने दिया झटका, कप्तान को किया सस्पेंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने धीमी ओवर गति का दोषी पाए जाने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को एक मैच के लिए निलंबित कर दिया है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार होल्डर अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में धीमी ओवर गति का दोषी पाया गया है। होल्डर के स्थान पर अब क्रेग ब्रैथवेट तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभाल सकते हैं। वह इससे पहले पिछले साल बांग्लादेश दौरे पर भी दो मैचों की वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर चुके हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच सेंट लुसिया में शनिवार से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने एंटीगुआ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में रविवार को इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मेजबान टीम ने पहला टेस्ट 381 रन से जीता था। वेस्टइंडीज की 2009 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ यह पहली सीरीज जीत है। वेस्टइंडीज की टीम ने यह जीत तेज गेंदबाज जोसेफ अलजारी के परिवार को समर्पित किया है। अलजारी अपनी मां के निधन के बावजूद शनिवार को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे थे।